पुरानी पेंशन क्रमोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है और उनकी हड़ताल रविवार को 13वें दिन भी जारी रही। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक जहां अनवरत हड़ताल पर डटे हुए हैं, वहीं जिला प्रशासन द्वारा हड़ताली शिक्षकों पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। जो आदेश जारी हुए हैं उसके अनुसार 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है, वहीं कुछ शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। जिन शिक्षकों को निलंबित किया गया है उनमें माध्यमिक शाला विछवा कटंगी में पदस्थ प्राइमरी शिक्षण विष्णु भालाधारे, माध्यमिक शाला सीता पठोर कटंगी में पदस्थ शिक्षक मनोज वाट, माध्यमिक शाला नकपुरा लालबर्रा में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक टीकम लाल डहरवाल शामिल हैं। आपको बताएं कि शिक्षा विभाग प्रशासन द्वारा जहां एक ओर हड़ताली शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के बैनर तले हड़ताल कर रहे शिक्षकों द्वारा निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। आपको बताएं कि शिक्षा विभाग प्रशासन के द्वारा जहां एक ओर हड़ताली शिक्षकों पर कार्यवाही की जा रही है वहीं दूसरी ओर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के बैनर तले हड़ताल कर रहे शिक्षकों द्वारा निलंबन की कार्रवाई जारी किए गए हैं, जिसके आदेश की कापियों की होली जलाई गई। हड़ताली शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर इसका विरोध प्रकट किया है तथा सद्बुद्धि यज्ञ कर शासन प्रशासन को सद्बुद्धि देने के ईश्वर से कामना की गई। हमारी ये हड़ताल 13 सितंबर से जारी है और अपने संघ के आह्वान पर हमने ये हड़ताल शुरू की है। ये हमारी जो हड़ताल है वो पुरानी पेंशन बहाली के लिए है, क्रमोन्नति अनुकंपा नियुक्ति ऐसे ही लेकर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने ये हड़ताल शुरू की है। और इससे पहले संघ के द्वारा हमने छुट्टी के दिनों में प्रदर्शन किया है और ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन उससे हमको ये देखने मिला कि शासन ने हमारे तरफ कोई उनका ध्यान आकर्षित नहीं हुआ, किसी भी तरीके से हमारी मांगों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मजबूरन हमको वर्किंग डे में हड़ताल पर बैठना पड़ा। हम बच्चों का किसी भी तरीके से नुकसान करना नहीं चाहते हैं। 3 लोगों पे कार्रवाई हुई है मैडम, कौन कौन 3 लोग हैं और इसको लेकर के आप लोग ने अभी क्या? श्री विष्णु भालाधारे, श्री टीकम लाल डहरवाल और श्री मनोज वाट, इनके साथ साथ हमारे जो प्रांताध्यक्ष हैं श्री भरत भाई पटेल, उन्हें भी शासन ने अपनी दमनकारी नीति को दिखाते हुए उनका सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो इश्यू कर दिया। प्रशासन ने हम पे कार्रवाई किया है, प्रशासन ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई किया है, लेकिन बालाघाट जिले में जो कार्रवाई हुई है वो द्वेषपूर्ण तरीके से हुई है। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि प्रशासनिक तौर पे नहीं, हमारे कई संघ के पदाधिकारी भी नहीं है, उन पे भी कार्रवाई करने के लिए भेजा गया, उनको तो स्पष्टीकरण भी नहीं मिला आज तक के, लेकिन उनको भी कार्रवाई करने के लिए हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने और जिला के शिक्षा कार्यालय ने भेज दिया। तो मेरा कहने का मतलब है आपको प्रशासनिक कार्य करना तो प्रशासनिक तरीके से ही करें कि बालाघाट मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के सबसे ज्यादा लोगों को सस्पेंशन के प्रस्ताव भेजे गए। लगभग यहाँ कितने लोगों पे कार्रवाई हुई बालाघाट की बात? प्राथमिक शिक्षक पे कार्रवाई हुई है और 9 के प्रस्ताव उच्च माध्यमिक शिक्षक के गए हैं, ऐसे मेरी जानकारी में 8 माध्यमिक शिक्षक के प्रस्ताव गए, ये भी मेरी जानकारी में है, तो 8 और 9 16 ये 17 ये हो गए और 3 20 लोगों पे कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश में दूसरे जिलों में अभी तक इतनी कार्रवाई कहीं नहीं हुई है। तो ये किसकी खामी है या किसने ऐसा किया और क्या लगता है? ये जिला प्रशासन की खामी है, जिला प्रशासन ने द्वेषपूर्ण तरीके से ये कार्रवाई की है। तो जिला प्रशासन के पास क्या आप लोग का आंकड़ा नहीं है कितने लोग बैठे हैं? जिला प्रशासन, मैं जिला प्रशासन की बात इसलिए कर रहा चाह रहा हूँ क्योंकि जिला प्रशासन को तो अभी ये मालूम भी नहीं कि हमारे कौन से पदाधिकारी हैं और कौन से नहीं है। भाई हमारे जिन जो प्रस्ताव गए हुए हैं, जो मुझे ज्ञात है, जो मुझे पता चल रहा है, उस प्रस्तावों में तो हमारे अधिकांश पदाधिकारी नहीं है और उसमें से 1-2 लोग तो हड़ताल पे ही नहीं है। अच्छा, मतलब जो हड़ताल पे नहीं है उन पे भी कार्रवाई हो रही है? जो हमारे यहाँ 1-2 दिन आए जिनको स्पष्टीकरण नहीं मिला उनको भी उन्होंने कार्रवाई के लिए किया है। इसको तो लेकर के आप लोग का क्या रहेगा अगला कदम? नहीं, अगला कदम हमारा ये रहेगा, तो हम तो प्रदेश की मांग मांग ही रहे हैं, प्रदेश से हम अपनी मांग मनवा ही रहे हैं, लेकिन अब अगला कदम ये रहेगा कि हमको जरूरत पड़ी तो हमको जिला प्रशासन को भी हम घेराव करेंगे। वहीं इसके संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि हड़ताली 3 शिक्षकों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। जहां तक देशपूर्ण तरीके से कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है वह पूरी तरह गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। शासन के निर्देशानुसार प्रशासनिक व्यवस्था के तहत इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है।
आपको बताएं कि आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर शिक्षकों के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली, अनुकंपा नियुक्ति, क्रमोन्नति और समयमान वेतन सहित इतनी विभिन्न मांगों को लेकर 14 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है, जिसके संबंध में उनके द्वारा पदस्थ संस्था में आवेदन देकर हड़ताल में जाने की जानकारी दे दी गई है और उनके इस हड़ताल को 12 दिन बीत चुके हैं, परंतु शासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चर्चा में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष टीकम लाल डहरवाल ने बताया कि आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 14 सितंबर से हमारे द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। शासन के द्वारा शिक्षकों के इस आंदोलन का दमन करने के लिए दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। शासन के द्वारा शिक्षकों को डराने के लिए आजाद अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल व समस्त जिला अध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्ष के विरुद्ध निलंबन आदेश जारी किए गए हैं, जिसके विरोध में हमारे द्वारा निलंबन आदेश की होली जलाकर सरकार के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट किया जा रहा है। हमारे शिक्षक साथी शासन से इस निलंबन आदेश से डरने वाले नहीं हैं।